अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है लेयरिंग नमक पारे, जो खाने में बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत खस्ता भी बनता है, इजीली बन जाता है, आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हो। तो सबसे पहले हम एक बोल में ले लेंगे एक कप जितना मैदा, उसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, साथ में डालेंगे 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच अजवाइन को हमने यहाँ पर मसल के डाल देंगे, और फिर साथ में कसूरी मेथी भी ले लिया है मैंने 1/4 चम्मच जितना, उसे भी हम मसल के डाल देंगे ताकि फ्लेवर जो है ना एकदम खुल के आए। सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे हॉट ऑयल। आप हॉट ऑयल की जगह पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर यहाँ पर मैंने हॉट ऑयल डाला है, इसे चम्मच से पहले मिलाए क्योंकि गर्म है, फिर आप हाथ से इसे अच्छे से मिलाए और जब इस तरह से मुट्ठी बन जाने लगे तब अपना इसमें डालें थोड़ा सा पानी। पानी डाल के आप इसका एक अच्छा सा डो बना ले। ध्यान रखना चाहिए डो ज़्यादा सख्त भी नहीं होगा और ज़्यादा नरम भी नहीं होगा, और इसे रेस्ट पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बॉल्स बनाओ और इसे ना बेल लो। मैंने 1 कप मैदा से ये बनाया ना, तो मैंने 2 बॉल्स बनाए और इसे बेल लेना है। जो रोटी हम बेल लेंगे ना वो ज़्यादा पतला भी नहीं होगा, जो ज़्यादा मोटा भी नहीं होगा, आप देख सकते हो। और फिर हम इसमें क्या करेंगे, ऑयल डालेंगे, तो ऑयल को इस तरह से सेपरेट कर देंगे। आप चाहो तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर हम इसमें डाल देंगे मैदा, मैदा को स्प्रिंकल करके ना, बस मैंने इसे ऊपर ऊपर से इस तरह से कर दिया है, और इस तरह से आप दोनों तरफ से फोल्ड कर दें और फिर से ऑयल डालें और फिर से ना मैदा, बस इस तरह से ना आपको बस इसे इस तरह से कर लेना है ताकि इसका लेयर जो है ना ऐसे ही बनेगा। तो इस तरह से आप कर ले और इसे मैंने फिर से फोल्ड कर दिया है, और फिर से हम इसे एक बार और बेल लेंगे और फिर से हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और फिर डालेंगे मैदा और फिर से हम इसे फोल्ड कर देंगे। अब इसे हम थोड़ा सा बेल लेंगे क्योंकि इस वक्त ये थोड़ा सा मोटा हो गया है, तो इसे हम थोड़ा सा और बेल लेंगे ताकि थोड़ा सा ये पतला हो जाए। तो हमने इसे बेल लिया है, अब हम क्या करेंगे, नाइफ की मदद से इसे कट कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसका लेयर भी अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसी तरह से कट कर लिया है, आप अपने मनपसंद के हिसाब से मतलब कट कर लीजिएगा। देखिए लेयर कितना अच्छे से दिख रहा है। तो इस साइड ऑयल को हमने गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल अभी ना ज़्यादा गरम नहीं है, मतलब मीडियम गरम है, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे जो है डाल देंगे और इसे धीमी आँच में हम पकाएँगे। 8 से 10 मिनट में ये पूरा पक के तैयार हो जाएगा, मतलब पूरा फ्राई हो जाएगा, एकदम कुरकुरे सा बन के तैयार हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा खस्ता भी बनेगा। सुनहरा सा हो जाए तो आप इसे प्लेट में ले ले और ट्राई करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप इसे स्टोर करके रख सकते हो और टी टाइम के लिए तो बेस्ट है। आप इसे ऐसे खाओगे ना तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और हमेशा की तरह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।